अब यहां पर एक अर्थव्यवस्था का संतुलित जीडीपी 300 करोड़ है, मतलब कि वाई आपको गिवन है। स्वायत्ता निवेश वह मतलब आई 300 करोड़ रुपए है, एंड स्वायत्ता उपभोग आपका 100 करोड़ रुपए है। तो अर्थव्यवस्था की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। अब आपको इसका फॉर्मूला समझ में आया क्या है? फॉर्मूला समझ पाए कि क्या चीज है? देखिएगा, जनरली फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन कर्व कैसे होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी और वाई, ये होता है। क्लियर है जी, मानते हैं इस चीज को। और आपके पास में यहाँ जीडीपी भी आपको गिवन है, और आपके पास में यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन कंजम्पशन भी आपको, ये आपके पास में स्वायत्ता उपभोग आपको दिखाई दिया हुआ है 100 करोड़, और नेशनल इनकम दिया हुआ है बस, और आपसे पूछ क्या रहा है, एक अर्थव्यवस्था का संतुलित जीडीपी 300 करोड़ है, वाई रिप्लेस कर सकते हैं आप, स्वायत्ता उपभोग आपके पास, स्वायत्ता निवेश वह 300 करोड़ रुपए है, स्वायत्ता उपभोग आपके पास में वाई 100 करोड़ रहे, तो 100 हो गया। क्लियर है? तो यहां पर आप आई निकाल सकते हैं, वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है जी, क्लियर है? तो सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, वाई क्या है मेरे पास में, वाई इक्वल्स टू सी, सी क्या है, सी बार कन्वेंशन फंक्शन प्लस एमपीसी वाई एन प्लस आई। तो वाई की वैल्यू यहां पर गिवन है ऑलरेडी, कितना है, 3000 करोड़ है। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है मेरा, 300 करोड़। स्वायत्ता उपभोग है, एमपीसी पता नहीं, ठीक है, वाई मुझे मालूम है कि मेरा वाई कितना है, 3000 करोड़ है, और प्लस में मेरे पास में आई क्या है, मेरे पास में आई यहां पर है इन्वेस्टमेंट 300 करोड़। देखिएगा जरा, कंजम्पशन फंक्शन ये होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में आप इनकम का कितना आप अपने कंजम्पशन में ट्रांसफर करेंगे, दिस वन कंजम्पशन फंक्शन होता है। और आपको पता है कि एक इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का आपका इक्वेशन ये रहता है, यहां पर वाई और सी की जगह पर सी का फंक्शन रख दिया और आई की जगह पर आई रख दिया, वाई की जगह वाई, सी बार की वैल्यू गिवन थी, एमपीसी नहीं पता था, वाई की जगह वाई एंड आई की जगह पर आई। 300 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 27, 300 और आपके पास 300 क्या हो गया, 600, तो 600 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2400, और 3000 आपका नीचे चला जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया आपका एमपीसी। और पूछ क्या रहा है आपसे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ही पूछ रहा है, 20 से 20 28, तो क्या आ गया, 0.8। क्लियर है जी, समझे या नहीं समझे? क्लियर है, समझे भैया? नहीं नहीं समझे, स्वायत्ता निवेश 300 करोड़ है और स्वायत्ता उपभोग 100 करोड़। अच्छा, तभी आपने दबाया था बटन, ये 100 करोड़ है, ठीक है जी। तो आप अब सॉल्व करेंगे, 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 300 प्लस 400 तो 2600 डिवाइडेड बाय 3000 एमपीसी, 20 से 20 कट गया आपका, और 13/15। क्लियर है जी, अब इसको डिवाइड कर देंगे आप 13/15, कैलकुलेटर आपके पास अलाव तो होता ही है, पेपर में जरूर लेके जाएं आप कैलकुलेटर अपना, 0.86 आपका क्या आ गया, एमपीसी आ गया। अब उपभोग फलन कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो बचत फलन का आंकलन करें, आय के किस स्तर पर बचत निवेश बराबर होगा, बेसिकली आपको नेशनल इनकम बताना है। क्लियर है ना, कि आय के किस स्तर पर और बचत फलन का आंकलन करें, बचत फलन सेविंग क्या होता है हमारे पास में, तो अभी सेविंग फंक्शन के बारे में आपको मैंने बताया नहीं है। जैसे यहां पर हमारे पास में सेविंग फंक्शन कभी भी देखना हो आपको, जितना हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है ना, देख लीजिए एक बार, ये मेरे दिया हुआ है एस इक्वल्स टू -100 प्लस 0.2 वाई। तो बेटा जितना मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन हो रहा था ना, मतलब कि जीरो इनकम लेवल पर मैं खुद भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा था, उस समय पर वो मेरी सेविंग माइनस में होती है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये मेरी नेगेटिव सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा, या ऑटोनोमस कंजम्पशन बोल सकते हो आप। क्लियर है, बात समझे? तो ये क्या हो गया, सेविंग फंक्शन कैसे बनता है, एस इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ये मेरे पास में यहां पर ये जो है 100 क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है,
ये ध्यान रखना आपके पास में, ये इस बार MPS इक्वल्स टू आपके पास में 0.2 है, ध्यान रखिएगा MPS क्या 0.2 है। तो इस केस में एक अर्थव्यवस्था का बजट फलन ये दिया हुआ है, इसके अनुरूप उपभोग फलन ज्ञात करें। यदि स्वायत्त निवेश 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था का संतुलन GDP भी क्या बताएगा। पहले मैं कंजम्पशन फंक्शन निकाल लेता हूं, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू जितना मेरा सी बार प्लस MPC इंटू वाई, यही होता है कंजम्पशन फंक्शन। तो C इक्वल्स टू जितना मेरा नेगेटिव है सेविंग, उतना ही मैंने कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन का रखा होगा, तो 100 प्लस MPC। आपको पता है MPC कैसे निकालते हैं, तो आपको पता ही है MPS है आपका, तो MPC मैं यहां पे लिख देता हूं साथ में कि MPC के बारे में पता है ना आपको, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है, क्लियर है। तो MPC चाहिए तो आपके पास 1 माइनस क्या करना पड़ेगा MPS, और MPC इक्वल्स टू 1 माइनस MPS। MPS कितना 0.2, तो 0.8 आपका आ गया। तो यहां पर क्या करेंगे 0.8 और वाई, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया कंजम्पशन फंक्शन। और पूछ क्या रहा है, इसके अनुरूप उपभोग फलन ज्ञात करें, कर लिया। यदि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई इक्वल्स टू दिस, आई इक्वल्स टू 100 करोड़ है तो GDP बताइए, GDP बताएं मतलब कि क्या बताएं आप, वाई बताएं। तो क्या वाई निकाल सकते हो, वाई के लिए क्या करेंगे आप बताइए, वाई के लिए क्या करेंगे। तो वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई या सी प्लस एस, ठीक है। वाई कंजम्पशन फंक्शन क्या है आपके पास में, 100 प्लस 0.8 वाई प्लस सेविंग आपके पास में क्या है, और जो कि आपके पास में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, क्या है 100 करोड़, ठीक है जी, क्लियर है। बात समझे या नहीं समझे, अब सॉल्व करेंगे। 0.2 इक्वल्स टू 200, क्लियर है। 10, ये 2 जीरो हो गया और ये हो गया आपके पास में वाई इक्वल्स टू GDP आपका 1000 करोड़ हो गया, क्लियर है, बात समझे। डन भाई, समझ में आया भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चुपचाप या फिर मुझे बर्दाश्त कर रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखते जा रहे हो, नहीं आया तो बोल दो मुझे, समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए जी, आखिरी सेमेस्टर है आपका। हाँ अभी तो हिंदी में चल रहा है आपका, दोनों में हो जाएगा, क्या दिक्कत है, अभी तक करते आए ना भाई, बताओ भाई समझ में आया ही नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पहले जितने भी बच्चे हैं सभी का मुझे कमेंट चाहिए, अगर समझ में कमेंट नहीं करोगे सारे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा अवेलेबल इंग्लिश में, कमेंट नहीं करोगे क्लास में रोक दूंगा। अब आपको कमेंट करना है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको समझ में आ भी रहा नहीं आ रहा है। सर क्वेश्चन इंग्लिश में, भरत दोबारा कैसे आया, अक्षय 1000, तो बोलो ना यार चुपचाप क्यों हो, देखो दोबारा इरेज कर देते भैया, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये लो। हाँ जी क्या है आपके पास पे, देखिएगा हमारे पास में सेविंग फंक्शन दिया हुआ है बच्चे, और कह रहा है कि ये सेविंग फंक्शन हमने दे दिया, अब आप अपनी बुद्धि से कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करो, ठीक है ना, कंजम्पशन फंक्शन बात समझिएगा, कंजम्पशन फंक्शन, क्लियर है जी। तो कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करने की बात कर रहा है, तो हमने कैसे ड्रॉ करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा सी इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस MPC और वाई, हमें ऐसे ड्रॉ होता है कंजम्पशन फंक्शन। इसके लिए मुझे सी बार चाहिए और MPC चाहिए, ठीक है। तो आइए सी बार क्या है, आपको पता है कि जो सी बार इक्वल्स टू क्या होगा, जो मेरी सेविंग नेगेटिव में होती है ना, ये सी बार होता है, तो बट पॉजिटिव में लिख देना इसको सी बार, जितना मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतनी ही सेविंग मेरी नेगेटिव में जाती है, जीरो इनकम लेवल पर जितने मेरी सेविंग नेगेटिव जा रही है इसका मतलब मेरा इनकम लेवल जीरो है, और इसी पर इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास में मुझे निकालना है एक, आपको पता होता है कि एक MPC प्लस, ये पढ़ा था आपने MPS इक्वल्स टू 1, याद है आपको, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन में जो आपके सेविंग फंक्शन है ना, तो आपके पास में MPS गिवन है आपको 0.2, तो आपके पास में MPC इक्वल्स टू 1 माइनस MPS एंड MPC इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.8। आइए अब निकालते हैं हम अपना क्या, कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता था, सी बार प्लस
एमपी सी और वाई, तो कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू सी बार। सी बार क्या है मेरे पास में 100, और एमपीसी क्या है मेरे पास में, एमपीसी मेरे पास में 0.8। बेटा पेपर में सवाल पक्का आएगा, ध्यान रखना आप इस चीज को। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नहीं आता है, उसका तो मेथड पूछ लेता है आपसे, न्यूमेरिकल यहां से आता है आपका। हाँ ऐसा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी आपके पास में आ गया, अब आपसे पूछ रहा है कि भैया जीडीपी बताओ। अब जीडीपी आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि आपके पास में एस की वैल्यू गिवन है, इन्वेस्टमेंट मतलब एस सेविंग, बात एक ही होता है। क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम, जब संतुलन अर्थव्यवस्था होता है, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर एस इक्वल्स टू आई होता है, पहली चीज। इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर वाई इक्वल्स टू सी प्लस आपके पास में एस होता है। ये दोनों ही कंडीशन किसके हैं, एक इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के कंडीशंस हैं। तो यहां पर अगर आपके पास में वाई, आपके आपको वाई निकालना है, एस की वैल्यू रिप्लेस कर दो, देन वाई निकाल लो। नहीं तो आप ऐसा निकालना चाहते हैं कि वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस और वाई इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। सी मीन्स कंजम्पशन फंक्शन, जो कि 100 प्लस 0.8 वाई और प्लस सेविंग, सेविंग आपको ऑलरेडी गिवन है 100 करोड़, और बस आपके पास में क्या आ गया 0.2 वाई इक्वल्स टू 200 एंड वाई इक्वल्स टू 200 अपॉन 0.2। तो ये जीरो यहाँ आ गया, ये कट गया। तो बच्चे इस तरीके से 1000 करोड़ आपका क्या आया, आपका आ गया जीडीपी। अभी बात समझ में आपको आया या नहीं आया बताइए। डन, ठीक है जी। अब कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, स्वायत्त निवेश दिया हुआ, आय दिया हुआ है, दिया गया तो बचत फलन का आंकलन करें कि किस स्तर पर बचत और निवेश बराबर होगा। तो आपको दो चीजें बतानी है। सबसे पहले आपको सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन आपको पहले क्या दिया हुआ है, सी इक्वल्स टू 75 प्लस 0.75 वाई। बात समझिए, क्लियर है? और आप इस बात को समझते हैं कि आपको अगर सेविंग फंक्शन चाहिए तो जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतना ही सेविंग आपकी नेगेटिव हो जाती है। बात समझे, क्लियर है? और प्लस आपको पता है कि ये आपके पास में क्या है, मैं चीज करके दिखाता हूं। नहीं तो सी बार इक्वल्स टू क्या है 75, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एमपीसी को। एमपीसी इक्वल्स टू क्या है 0.75, और आपको पता है सेविंग फंक्शन कैसे आएगा, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो माइनस में, और प्लस एमपीएस और आपके पास में वाई। तो अब एमपीएस कैसे निकालोगे, तो आपको पता है क्या, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, और एमपीसी आपका क्या है 0.75 प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 एंड एमपीएस इक्वल्स टू क्या है 0.25। आइए सेविंग फंक्शन निकालते हैं। तो सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू क्या था आपका, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस आपका एमपी एस और वाई। बेसिकली ये क्या होता है आपका, ये आपका सेविंग फंक्शन होता है। तो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस में, तो कितना है आपके पास में, माइनस 75 एंड प्लस एमपीएस कितना है आपका 0.25। वो तो आपको देख के पता लग रहा है, लेकिन आपको पेपर मार्क्स लेने ना, तो लिखना पड़ेगा हर स्टेप इक्वल्स टू वाई। बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? बात समझे? और आपसे अगर नेशनल इनकम भी पूछ रहा है अगर आपसे, तो आप इस बात को भी समझिएगा क्या कि आई इक्वल्स टू एस होता है। बताओ जरा, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इस फंक्शन से नेशनल इनकम निकालना हो, कभी भी सेविंग फंक्शन से नेशनल इनकम निकालना हो तो आप इससे निकालें, और कभी भी कंजम्पशन फंक्शन से नेशनल इनकम निकालना हो तो आप इसका इस्तेमाल करें। क्लियर है? मैं कंक्लूड कर देता हूं इसको। हां जी, गिवन है आपको
क्या सी इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी वाई, आपको नेशनल इनकम चाहिए। इजी रहेगा, कैसे भी निकाल लो यार, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट नेशनल इनकम फाइंड करना है। तो कंजम्पशन फंक्शन है ना, तो एक काम कर दीजिए, बस वाई इक्वल्स टू सी प्लस आप आई कर दीजिए और सी की वैल्यू रिप्लेस कर करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका गिवन क्या है, गिवन अगर आपका सेविंग फंक्शन है वाई, तो आप यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपको फाइंड करना है, क्लियर है। तो यहां पर आप कैसे करेंगे, आई इक्वल्स टू एस से आप फाइंड करें। तो कब आपको दोनों ही नेशनल इनकम की दो कंडीशन होती है, वाई इक्वल्स टू सी प्लस आपका एस, सी प्लस एस बोलते हैं बेसिकली इसको, और एक कंडीशन ये भी होती है कि आई इक्वल्स टू एस। दोनों ही जो है इक्विलिब्रियम इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम को बताता है। तो कब किस इक्वेशन के थ्रू जाए, तो ये कंजम्पशन फंक्शन में ऐसे जाए और सेविंग फंक्शन गिवन हो तो ऐसे चले जाए। हाँ जी, तो मेरे पास में सेविंग फंक्शन आ गया, नेशनल इनकम निकालना है, तो मैं आई इक्वल्स टू एस से चला जाऊंगा। अब मेरे पास में आई इक्वल्स टू एस, तो आई मेरे पास में क्या है जरा बताइए, आई इन्वेस्टमेंट है ना मेरे पास में, कितना है इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ है। एस क्या है, एस की वैल्यू रख दो ना, -75 प्लस 0.25 बाई, सो करेंगे तो 175 अपॉन 0.25 इक्वल्स टू वाई, सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो लग गया और ये आपके पास में 7 हो गया। तो वाई इक्वल्स टू कितना है आपका, 700 करोड़ आपका आ गया। बस यही तो करना था, और करना क्या था आपको, इतना आसान सवाल है आपका, पूछो मत जी, इसमें भी घबराएंगे क्या। डन, तो आज की क्लास में यहां तक कर दिया है, उम्मीद आप इसको देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में जरूर आप मुझसे चीजों को पूछेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।